दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं, तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर में कीबोर्ड कितना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि कंप्यूटर की इस जरूरी चीज को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कीबोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में इसके 3D डिजाइन को बनाया जाता है। जब यह डिजाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तब एक मोल्डिंग मशीन में इसके की कैप्स यानी बटन्स और कीबोर्ड की बॉडी को बनाया जाता है। जब ये की कैप्स पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तब इस पर लेजर प्रिंटिंग मशीन से इन पर नंबर्स को प्रिंट किया जाता है। इसके बाद टेक्नीशियंस इन की कैप्स की अच्छी तरह से जांच करता है ताकि कीबोर्ड में कोई भी गड़बड़ी ना हो। अब कीबोर्ड की टॉप प्लेट पर कंपनी का लोगो और जरूरी चीजें प्रिंट की जाती हैं। जब प्रिंटिंग की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तब इन्हें असेंबली लाइन में भेजा जाता है। यहाँ सबसे पहले स्विचेस को PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर अटैच किया जाता है। यही PCB कंप्यूटर को सिग्नल भेजती है कि कौन सी की प्रेस हुई है। अब अगर कीबोर्ड RGB पैनल के साथ आता है, तो इसमें RGB इंस्टॉल की जाती है। इस प्रोसेस के बाद कीबोर्ड को फर्स्ट क्वालिटी चेकिंग प्रोसेस में भेजा जाता है। वहाँ इसकी अच्छी तरह से जांच की जाती है कि सभी की अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं। अब इसके बाद PCB को स्क्रू की हेल्प से बैक पैनल पर कस दिया जाता है। अब एक टेक्नीशियन मैनुअली सारे की कैप्स को स्विचेस पर असेंबल करता है। जब सारे की कैप्स अपनी जगह पर लग जाते हैं, तो एक रोबोटिक मशीन इन पर समान मात्रा में प्रेशर अप्लाई करके की कैप्स को स्विचेस के साथ में जोड़ देती है। अब इस कीबोर्ड को एक बार फिर से टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इस कीबोर्ड को एक और मशीन में भेजा जाता है, जहां यह पक्का किया जाता है कि सारे की अपनी जगह है या नहीं। अब एक फाइनल टेस्टिंग के बाद इसे पैक कर दिया जाता है। अब ये कीबोर्ड आपके पास आने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।